भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, तुम विद्यालय से बाहर यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? गुरुजी, कक्षा में शिक्षक नहीं थे तो बच्चे खेल रहे थे और मेरा मन खेलने में बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं यहाँ बैठ गया। भीमराव, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल वर्तमान के पास नहीं है, संभवतः भविष्य के पास हो। लेकिन गुरुजी, एक हादसे की वजह से इतना सब कुछ कैसे बदल जाता है? माधुरी दीदी खुद बताती थी कि उनकी आई उनसे कितना प्यार करती थी, और सिर्फ एक हादसे की वजह से ये सब बदल गया और उनकी वो ही आई चुप रही। ये अजीब है ना गुरुजी, मरने वाला तो चला गया और एक जीती जागती जिंदगी कैसे रोज मर रही है। भीमराव, हमारे समाज में विधवा होना एक अभिशाप है। गुरुजी, अगर माधुरी दीदी के घर वाले उनकी शादी फिर से करवा देंगे तो वो तो फिर से स्वागन हो जाएंगी, और जब वो सबकी तरह हो जाएंगी तो विधवा के अभिशाप और दंड से मुक्त हो जाएंगी। गुरुजी, ये बात आप उनके आई और बाबा को समझाइए ना कि माधुरी दीदी की शादी फिर से करवा कर उनका जीवन वो पहले जैसा बना दे। भीमराव, दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी विधवा की जिंदगी दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकती। दोबारा शादी के बारे में सोचना भी हमारे समाज की नजर में एक पाप है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा विद्यालय में दाखिला हुआ है, तो इस तरह के सवाल जवाब करना बंद कर दो, नहीं तो आसपास के लोगों को आधार मिल जाएगा तुम्हें दोबारा विद्यालय से बाहर करवाने के लिए। समझ गए? मैं कक्षा में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? जी गुरु जी। ये ले, खा ले। आई सब्जी? अब यही उबला हुआ खाना पड़ेगा। आई अचार दे दो ना। तू समझती क्यों नहीं है? अब तेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है। जब तक जिएगी तब तक यही खाना मिलेगा, और भूल जा कि स्वाद भी कोई चीज होती है। बाबा, पापा थोड़ा अचार दे दो ना, ऐसा नहीं खाया जाता है। बाबा, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, छुपके से ला दो, छुपके से खा लूंगी। ला दो ना बाबा। नहीं खाना, नहीं खाना, मर जा, मर जा, और तू इसकी कोई मदद नहीं करेगी। जब इसे भूख लगेगी तो अपने आप उठाकर खा लेगी। नहीं अच्छा लग रहा है। आई, आई बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। आई जल्दी। हाँ हाँ, ये ले मेरी प्यारी गुड़िया। रोज रोज तो अचार खाती है, आज एक दिन ऐसे ही खा ले। नहीं आई, अचार दे दो ना, अचार के बिना मजा नहीं आता है। अच्छा। ये लो। जब तक बाबा है तब तक अचार मिलेगा ही। हाँ देख लेना, ससुराल में सास सुबह सुबह खाना तक नहीं देगी। हाँ, और अचार तो भूल जा, ना सास देगी ना ससुर देगा। जब तक आई बाबा है तब तक
भूखी नहीं रहूंगी मैं। ये तो है। माधुरी दीदी, बाबा आई और गुरुजी सही कह रहे हैं कि शायद मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कैसा भाई और कैसी दीदी आप? क्या करूं, कैसे करूं? कम से कम आपकी थोड़ी तकलीफ ही कम कर दूं, या तो आपको विश्वास दिला दूं कि आप फिर से खुश रह सकती हैं, फिर से जी सकती हैं, लेकिन कैसे? हो तन तो सब बन भया, करम भय आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। समझ नहीं आ रहा है माधुरी दीदी कि मैं आपके लिए क्या करूं, कैसे करूं? तुम्हें क्या लगता है कि अपनी मर्जी से विधवा के रूप में घूम रही हूँ और तुम ये पूछ क्यों रहे हो? जी मैंने कल ही जाना कि विधवाओं को ऐसे स्वरूप में जीना पड़ता है। जान लिया ना, अब जाओ यहाँ से। रुकिए, बस थोड़ी सी बात करनी है, बाद में मैं अपने घर चले जाऊंगा। अच्छा बताओ क्या बात करनी है जी? विधवा होकर आपको कितने साल हो गए? ये बेवजह की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ बातें जानने मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी दीदी कल ही विधवा हुई है, इसलिए जानना चाहता हूँ। 2 महीने बाद 18 साल हो जाएंगे। तो इन 18 सालों में आपने क्या क्या सोचा और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा, बताइए ना, ताकि मैं अपनी दीदी की कुछ मदद कर सकूं। इतनी छोटी सी उम्र और ऐसी बातें तो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं सोच पाएंगे। धन्य होगी वो तुम्हारी बहन जिसके तुम भाई हो। शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया मेरे साथ। और फिर पता चला कि मेरा पति मर गया है। उसके मरने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसे लगा कि मेरा पति तो मरा ही, लेकिन उसके साथ मैं भी मर गई, वो भी हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि औरत को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। और ये सब मुसीबतें झेलते हुए मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजार दिए। जिंदगी से नफरत सी हो गई है और मौत है कि आती ही नहीं। अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि हर औरत अपने पति से पहले मर जाए तो अच्छा है। काकी, आपकी बात सुनकर लगता है कि अभी माधुरी दीदी के मैं कुछ काम आ सकूंगा। बाबा, आई, बुआ, उस काकी ने मुझे सब कुछ बताया
मैं सोचता रहा कि 18 साल तक उन्होंने इतना सब कुछ झेला तो वो जिंदा कैसे रह गई। शुरू में कोशिश की होगी मरने की, लेकिन मर नहीं पाई होगी। औरत के लिए जीना और मरना दोनों बहुत ही कठिन है। दीदी, मंजुला बेटा अब खाना लगाओ, सबको भूख लगी होगी ना। अभी बेटा चलो तुम भी खाना खा लो। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। बीवा, उसके दुख में कितने दिन नहीं खाएगा तू? और तेरे ना खाने से माधवी दीदी की जिंदगी नहीं बदलेगी। देख बेटा, ये समझ ले, माधवी को अभी इसी हालत में जीना सीखना पड़ेगा। जिंदगी से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है भी, हर हाल में जीना सिखा देती है ये जिंदगी। और बीवा, तुझे भी अपनी दीदी के इस हालत को स्वीकारते हुए अपना जीवन जीना सीखना पड़ेगा बेटा। सीख लूंगा। आज ना खाकर कम से कम दीदी के दुख में साथ तो दे पाऊंगा, तब मुझे तसल्ली होगी कि जब दीदी के दुख में उनका पूरा समाज उनके साथ नहीं था, तब मैं उनके साथ था। मैं सोने जा रहा हूँ, आप सब भी खाना खा के सो जाइए। उसे अपने हिसाब से परिस्थिति को स्वीकारने दो। ये इसके कर्मों का फल है। ये जीवन की यात्रा में अकेली हो गई है। जब विधाता का लिखा हुआ साथी इसका साथ छोड़कर चला गया तो दूसरा कौन सा मनुष्य इसका साथ निभाएगा? अब तेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है। जब तक जिएगी तब तक यही खाना मिलेगा। अरे देखो देखो, अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। अरे पुलिया से तो तू भी गिरी थी, तुम्हारी नहीं ना, अभागन है तू, अभागन। नहीं खाना, नहीं खाना, मर जा, मर जा। अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। पुलिया से तो तू भी गिरी थी, तुम्हारी नहीं ना। नहीं खाना, नहीं खाना, मर जा, मर जा। अभागन है तू, अभागन। मुझे जीना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है। मैं मर जाऊंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी, तब सब खत्म हो जाएगा। शुरू में कोशिश की होगी मरने की, लेकिन मर नहीं पाई होगी। औरत के लिए जीना और मरना दोनों बहुत ही कठिन है। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? नहीं नहीं नहीं। भीमा, भीम, क्या हुआ? भीम, भीम मेरे, जा जल्दी जा। मुझे कोई बात नहीं सुनी, मुझे मर जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं दीदी, मेरी पूरी बात सुनो, बाद में जो समझना
दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अचानक से आपको इस रूप में देखकर मैं डर गया था। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कल रात को ही आपका साथ देने की बात करके उसके अगले दिन ही मैंने आपका साथ छोड़ दिया। अब पूरा दिन अकेले रही, सारा दुख अकेले झेलती रही। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि विद्यालय जाने के साथ साथ मैं आपका ख्याल भी रखूंगा। पता है आज मैं एक विधवा का अखिल से मिला, तब मुझे समझ आया कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी और शायद आगे के जीवन में भी होगी। इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि आपका दुख मैं कम कर सकूं। वक्त लग सकता है लेकिन कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा, विश्वास करिए मुझ पर। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद कर अपनी जान देना चाहती हो तो दे दो, मैं नहीं रोकूंगा। भीम, तुझे क्या पता कि मुझे मेरे घर में बाहर हर जगह कैसी कैसी तकलीफें सहनी पड़ती है, मुझे लोग क्या क्या कहते हैं। और अगर तुझे ये देखना है तो वहाँ कुएं के पास आके देखना, समझ आ जाएगा कि विधवा बनकर जीना कितना कठिन है और मरना कितना आसान। कल जब हमने तुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि हम जब तक पानी न ले जाए सब लोग तब तक तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें एक ही बात बार बार समझानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसी अभागन का मुंह देखकर अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारा दिन खराब नहीं हो जाएगा? लेकिन दिन तो बेचारे दीदी का खराब है, दीदी तो पहले से ही परेशान है, अब उनकी मदद करने की जगह उन्हें और परेशान कर रहे हैं। एक तो तू दीदी दीदी कहना बंद कर, वो हमारी जाति की है और तू छोटी जाति का। और दूसरा, ऊपर वाले ने इसके भाग्य में लिख दिया है ये अपशगुनी है और ये ऐसे ही परेशानी में जूझती हुई जिंदगी को सजा की तरह काटती रहेगी। पता नहीं कौन से जन्म के कर्मों के फल है इसके। जिस जन्म को आप सब में से किसी ने देखा भी नहीं उसका दंड इतना भयानक है। हाँ हाँ, इसने बहुत बड़ा पाप किया होगा, उसी की सजा काट रही है ये। मेरे इन्हें दीदी कहने से अब सबको दिक्कत है क्योंकि ये मेरी बिरादरी की नहीं है, लेकिन आप तो इनके रिश्तेदार हैं, ये आपकी जात की है, फिर भी अब इनके साथ ऐसा कर रही हैं। पता नहीं उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया होगा, लेकिन आप तो इसी जन्म में इनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। ये भी तो एक पाप ही है, किसी कमजोर को सताना एक पाप होता है, ये पंडित जी की किताब में लिखा है और मेरे विद्यालय की किताब में भी, फिर इस पाप की भी तो कोई सजा होगी। ऊपर वाले ने इनके नसीब में चाहे जो लिखा हो लेकिन आप तो इनके साथ ऐसा मत कीजिए। ए भीमराव, अपनी बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं गाँव वालों को बुला लाऊंगी, फिर वो तय करेंगे तेरा क्या करना है और इसका क्या करना है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप दीदी को पानी दे दीजिए, वो भी चली जाएंगी। भीमराव तुम जाओ, मैं बगल में खड़े रहकर इंतजार कर लूंगी। दीदी आपको बहुत भूख लगी होगी, स्नान करने से पहले आप कुछ खा भी तो नहीं सकती। भीमराव तुम जाओ, नहीं तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। तमाशा क्यों होगा दीदी, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। मत करो कोई बात, तुम जाओ।
जिसे ऊपर वाले ने ऐसी जिंदगी दी है, उसे धरती पर रहने वाला कोई मदद नहीं कर सकता है। तुम जाओ भीमराव, तुम्हें मेरी कसम।